माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ कब है। धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी और समृद्ध जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर धारण किया जाता है, मतलब सूर्योदय से लेकर और चंद्रोदय तक यह व्रत धारण किया जाता है। पूरी तरह से निर्जल शाम तक रहा जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ और गणपति की आराधना की जाती है। पूरे परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोला जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब होगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब होगा और पूजा की संपूर्ण नीति क्या होगी। भक्तों, अगर आप पहली बार करवा चौथ व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या यह व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। संपूर्ण जानकारी करवा चौथ व्रत से संबंधित आज की वीडियो शेयर करने वाला हूं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूरी किया कीजिए। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर और समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए सुबह के समय तो सूर्योदय काल में हम पूजा कर लेते हैं, शाम की पूजा विधि विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में हम करते हैं। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:46 से रात्रि 7:09 तक। और बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए शाम को प्रदोष काल में करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा होती है। वैसे सुबह के समय भी पूजा करेंगे, क्योंकि स्नान करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। जो भी प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी पूजा करेंगे और भगवान शिव पार्वती के सामने अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि हे माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ के करवा माता मुझ पर कृपा करें, आज मैंने करवा चौथ का व्रत धारण कर रखा है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, या फिर अगर कुवारी कन्या धारण कर रही हैं तो मन चाहे जीवन साथी की कामना से, या फिर सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना से ये व्रत धारण कर सकते हैं। तो जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं अपने व्रत का संकल्प जरूर लेते हैं। सुबह के समय अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए, या फिर जिस भी तरह से आपके परिवार में परंपरा है सुबह की वह सुबह की पूजा करेंगे। इसके बाद शाम के समय विशेष पूजा होती है। प्रदोष काल में तो सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए। इसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाए और इसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है। चौकी पर सबसे पहले जहां पर करवा माता को स्थापित करना है आपको वहां पर चावल रख दीजिए या फिर गेहूं रख दीजिए और उसी पर करवा माता की आप फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास हो विराजमान कर दीजिए। भक्तों, आप चाहे तो शिव पार्वती की अलग से फोटो भी लगा सकते हैं, या फिर करवा माता की जो फोटो मिलती है उसी में शिव पार्वती गणपति सब विराजमान होते हैं, तो आप एक फोटो स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं, जैसे भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद भक्तों कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा सा चावल रखना है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए।
एक पात्र ले लीजिए। आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, या फिर आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और पात्र न हो तो इसमें आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। सिक्का, सुपारी, हल्दी और लौंग, इलायची, ये चीजें जो कलश में डालते हैं, अक्षत पुष्प डालकर कलश के ऊपर पंच पल्लव रख दीजिए, आम के या फिर अशोक के पत्ते रख दीजिए, और फिर कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। एक पात्र में आपको थोड़ा सा चावल भरकर कलश के ऊपर रखना है। इसके ऊपर आपको दीपक रखना है, एक मिट्टी का दीपक या फिर धातु का दीपक कलश के ऊपर ही रख दीजिए। दीप कलश की स्थापना करनी है, और फिर करवा चौथ का व्रत है तो दो करवा लेना है। आप चाहे तो मिट्टी के करवे ले सकते हैं, या फिर कई स्थानों पर जो चीनी के शक्कर के बनेंगे करवे होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहे तो धातु के भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने परिवार में जिस प्रकार से होती हैं उनका ध्यान रखें। जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से आपको दो करवा लेना है। एक करवे में हम जल भरते हैं, उससे भगवान चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं, और एक करवे में कुछ ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं। कई स्थानों पर इसमें शक्कर और पतासा भरा जाता है, कई स्थानों पर खील, बताशे, मिठाइयां इत्यादि भरी जाती है। यह कड़वा होता है पार्वती माता का, तो इसमें आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कोई भी वस्तु भरकर रख दीजिए, खाली करवा नहीं रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, करवे के ऊपर आपको ढक्कन लगाना है, दोनों करवों के ऊपर आपको मिट्टी का ढक्कन देना है या फिर धातु का, जो भी आपके पास हो। इस ढक्कन में आपको कुछ मिठाइयां रखनी है, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा रखें। कई स्थानों पर ढक्कन में भी चावल या फिर गेहूं रखा जाता है, और मीठा रखकर इसी के ऊपर हमें दक्षिणा रखना होता है। तो जैसा आपके है, जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको करवा भरना होता है। और अब बात करें कि कौन सा करवा किधर रखना है। जल वाला करवा किधर रखें, और जिसमें हमने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भरे हैं वह करवा किधर रखना है। तो देखिए, जिस करवा में हम जल भरकर रखते हैं वह पार्वती माता की तरफ होता है, और जिस करवे में शक्कर भरा होता है वह हम अपनी तरफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप करवा रखते हैं तो करवे के नीचे चावल जरूर रखें। आप चाहें तो अष्टदल कमल बनाएं, या फिर वैसे भी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं, और कभी भी इसी प्रकार से आपको स्थापित करना है। खाली आपको नहीं रखना है, सबके नीचे आपको अनाज का आसन जरूर देना है। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से महिलाएं गलतियां कर बैठती हैं, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता ही है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारी यहां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदा आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें, ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है, सिंदूर बिंदी, शादी का जोड़ा, मंगल सूत्र, पैरों का बिछुआ पायल, आपकी शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे में इन 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपके सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तुएं नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी ये चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत ना टूटे, पति पर कोई बुरी बला न आए। दोस्तों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है, यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र भले वो भारी कलाकारी से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा भगवा पीला, जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते। ऐसा भी नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही इस दिन धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। दोस्तों, मांग में सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर वृत्ति को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता, तो सिंदूर लगाते इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं, तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है इससे माँ पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, पति की उम्र बढ़ती है। फैशन के नाम पर औरतों को नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है, ऐसी स्त्रियों को माँ पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं, या आपका पति विवाद संबंधों में उलझ सकता है, पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया अगर गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो माँ पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट मोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे भी माँ पार्वती प्रसन्न हो जाती है, पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारियां पहले से ही की जाती हैं। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो आप खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो इस बारे में भी जरूर जान लें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है।
करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा पाने का लौटा गंगा दीपक, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत फूलहा, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, जोड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूड़ियों की 58 लुआ और दक्षिणा के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थी, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप यह कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मेहरून और ऑन रेंज रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। ऐसी चीजें इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें बायना का भी विशेष महत्व है। बायना वह तोहफा होता है जो सांस को दिया जाता है। यह लड़की की माँ की तरफ से लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई और फल हुआ करता है। इसमें लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं जो करवा चौथ की पूजा पर्व पहनती है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह व्रत कर रही है तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। उसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई होते हैं जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। तो इसकी तैयारी भी पहले ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती है। सुहागीन के श्रृंगार में इसका खास महत्व है, इसे जरूर खरीदें। बिना चूड़ियां करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का भी विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती है। करवा चौथ से पहले महिलाएं हाथों पर मेहंदी जरूर रचाती हैं। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है, लेकिन सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। करवा और छलनी के बिना तो यह व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है। इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो ये दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोरपंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोरपंख से सकारात्मकता आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। दोस्तों, करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और कौन सी गलतियों से बचें। करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीज है चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करने से पति पत्नी में क्लैश हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवा और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी न खरीदें। इससे व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। सासू माँ को पूर्ण सम्मान दे। मान्यता अनुसार सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद इसे न खाएं, नहीं तो व्रत पूर्ण नहीं होता है और इसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। इस दिन सफेद चीजों का दान न दें। सुहागिन स्त्री को हमेशा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। तो अपनी सुहाग की निजी चीजें किसी से शेयर ना करें। करवा चौथ का व्रत एक अधूरी असफल शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम हैं, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं।
अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो वैद्य की सलाह जरूर लें। कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और सबसे अहम चीज यह है कि व्रत की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर पहले व्रत का संकल्प लेना ना भूलें। हर व्रत में यह अति आवश्यक होता है। देवी माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करें। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणपतये नम बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और धन के रास्ते खुलते हैं। यदि पति पत्नी में प्रेम कम हो गया हो तो करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में कहीं छुपा कर रखे। इस उपाय से कुछ ही समय में उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे और दोबारा प्रेम भाव हो जाएगा। करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला दें। धन संबंधी समस्याएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित है या हो सकता है तो एक पीपल के सूखे पत्ते या भोजपत्र पर उसका नाम लिखें जिस पर आपको शंका हो, फिर थाली में इस पत्र पर 3 कप ओर की टिकिया रखकर जला दें। प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे। दोस्तों, याद रहे, इन उपायों को करते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। करवा चौथ माता की जय आशा करते हैं। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय करवा चौथ माता।